भारत और चीन दोनों में भारी बारिश से तबाही, भारी बारिश और बाढ़ का कहर भारत और चीन दोनों में जारी है। भारत में महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं मध्य पूर्वी चीन में भी भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और कई शहर जलमग्न हो गए हैं। आइए जानते हैं दोनों देशों की स्थिति के बारे में विस्तार से। कोल्हापुर में भारी बारिश के कारण नृसिंहवाड़ी दत्त मंदिर जलमग्न हो गया है। पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्थिति का जायजा लिया और प्रशासन को हर संभव मदद करने का निर्देश दिया। राजगढ़ जिले के ब्यावरा सिरोंज नेशनल हाईवे पर घोड़ा पहाड़ नदी उफान पर है। एक ग्रामीण को नदी के तेज बहाव से बचाया गया। शाजापुर में चिल्लर नदी का जलस्तर बढ़ गया और जल भराव की स्थिति बन गई है। कोटा बैराज के 6 गेट खोलने से शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बचाव अभियान जारी है। कोटा के रंगबाड़ी स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में पानी भर गया है। उत्तरकाशी में गंगा भागीरथ का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। घाटों और आश्रमों में पानी भर गया है। कावड़ यात्रा के चलते श्रद्धालुओं को नदी तट पर जाने से रोका जा रहा है। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड में 12 लोगों की मौत हो गई है। यह लैंडस्लाइड का एक होटल पर हुआ। सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं और सड़कों पर मौजूद गाड़ियां बहती नजर आईं। गेम तूफान के चलते कई इलाकों में भारी बारिश हुई। तूफान का असर फिलीपींस में भी देखा गया था। मौसम विभाग ने कई और शहरों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत और चीन दोनों ही देशों में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन और राहत दल बचाव कार्यों में जुटे हैं। उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो और प्रभावित लोगों को राहत मिले।